वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आदेश 19 अप्रैल को आ चुका, पालना नहीं हो रही। मुख्यमंत्री की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम की घोषणा के बाद भी लागू नहीं होने पर भर्तियों की फीस युवाओं पर भारी पड़ रही है। सीएम ने बजट में बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगने वाले बार बार शुल्क में राहत देने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की घोषणा की थी। कार्मिक विभाग की ओर से 19 अप्रैल को जारी सर्कुलर के तहत सामान्य अभ्यर्थी से 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये तय किए थे। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान की ओर से आदेश पारित होने के बाद 7 कैडर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुका है, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू नहीं हुआ। विभाग व भर्ती करने वाली एजेंसी की ओर से नियमों की पालना नहीं करने पर सवाल या निशान लग रहे हैं। ये फायदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयुर्वेद विभाग से भी नहीं सीखा। मुख्यमंत्री की ओर से बजट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। किन किन पदों पर भर्ती कर रही सीफू? फार्मासिस्ट की 2,859 पदों पर विज्ञप्ति 5 मई को निकली, अंतिम तिथि 4 जून। नर्सिंग ऑफिसर 6,981, विज्ञप्ति 5 मई 4 जून को की अंतिम तिथि। एएनएम की 3,736, 19 मई को विज्ञप्ति जारी हुई, 18 जून। ये देख सकते हैं 19 अप्रैल के बाद ये विज्ञप्ति जारी हुई हैं, सारी विज्ञप्ति मई की हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की घोषणा करने के बाद ये विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके बाद भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया।